वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स तो आज हम इलेक्ट्रो कमिस्ट्री चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे पहले हमने नर्स इक्वेशन के बारे में डिस्कशन की थी एंड उसके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व किया था सो so, आज का हमारा इक्ोलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड द गिप्स एनर्जी चेंज एंड रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल ठीक है सो इकोलिब्रियम कॉन्सटेंट को पहले हम सोल्व करेंगे फोर एनी सेल रिएक्शन So, assume that we have a general reaction A A plus B B products bandre has C times C and D times D with exchange of the n electrons ok. So, write the Nernst equation, Nernst equation kya thi? E cell is equals to E node cell standard value minus 2.303 over n F यानी कि एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एफ था यहाँ पर फेरेडे इंटू आर इंटू टी लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशेंट्स एंड डिवाइड में आएगा रैक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशंट्स ठीक है तो ये थी हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन अब हमें बात करनी है कि जब इस रिएक्शन में इक्वलिब्रियम आ जाएगा ठीक है जब एनोड एंड कैथोड में जो रिएक्शन हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा था उसमें जब इकोलिब्रियम आएगा तो क्या होगा एट इकोलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा कि सेल स्टॉप हो जाएगा सेल स्टॉप्स वर्किंग यानी कि ई सेल बिकम्स जीरो एक बात का आपको ध्यान रखना ई नोड सेल तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है और इक्विलिब्रियम पर जाकर ई e सेल मतलब सेल का पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम ज़ीरो हो जाएगा और ये जो रेशियो ऑफ द कंसनट्रेशंस हैं इसको हम क्या लिख लेंगे इक्वलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है सो कंसनट्रेशंस का रेशियो हमारा क्या बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रैक्शन बिकॉज आप लोगों ने पिछली क्लास में इक्लिब्रियम कॉन्सटेंट के बारे में रीडिंग की होगी उसको भी हम सेम ऐसे ही डिनोट करते हैं सो so, यूजिंग these टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी गेट जीरो इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन एफ आर इंटू टी के सी ठीक है तो हमारा ये रिलेशन बन जाएगा तो यहां से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया है कि ई नोट सेल इस तरफ आ गया इज इक्वल्स टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी ओवर एन एफ लोग के सी ठीक है अगर आप यहाँ पर नेचुरल लोग यूज करते हैं दैट इज लोग बेस ई देन ये टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री यहां से हट जाएगा और इससे अगर हम इसे इजी फॉर्म में चेंज कर लें तो हम यहाँ पर टी आर और एफ़ की वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको सॉल्विंग करके कर, कर बताई थी टेम्परेचर अगर हम यूज़ करते हैं 298 नाइनटी एट कैल्विन दैन दिस ऑल सोल्व कर कर क्या बन जाएगा 0.0591 पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन ओवर एन लॉग के सी तो ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है ये हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है एट द टेम्परेचर टू नाइनटी एट कैलवे मोस्टली इसी पर हमें सभी प्रॉब्लम मिलती हैं तो जब भी आपको इक्वलिब्रियम कॉन्स्टेंट की सोल्विंग के बारे में पूछा जाए तो आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना है ठीक है तो ये एक फॉर्मूला है प्लीज साथ में नोट्स बनाए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था सो so, ये वीडियोज आपके लिए ही बनाई जाती हैं तो अगर आप लोग इसको यूज कर नोट्स बनाएंगे तो ही आपको इसका इस वीडियोज का फायदा होगा ठीक है तो आगे चलते हैं हमारा दूसरा टॉपिक था जो इसमें दैट इज द गिप्स फ्री एनर्जी चेंज ठीक है सो गिप्स एनर्जी सो गिप्स एनर्जी का जो होता है चेंज वो हमें क्या बताता है ठीक है गिप्स फ्री एनर्जी चेंज हमें किस वैल्यू के बारे में जानकारी देता है पहले हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं ठीक है सो द गिप्स फ्री एनर्जी चेंज गिप्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर इशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा जी आर यानी रेक्शन एंड इट गिव्स अस द इट ये हमें कौन सी चीज के बारे में जानकारी देता है मतलब गिप्स फ्री एनर्जी चेंज किसी रेक्शन के बारे में क्या जानकारी दे सकता है दैट इट गिव्स अस द मैक्सिमम यूजफुल वर्क मैक्सिमम यूजफुल वर्क न बी ऑबेन फ्रॉम रैक्शन दैट कैन बी ऑबेन फ्रॉम रैक्शन ठीक है ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि गिप्स फ्री एनर्जी चेंज किसी रैक्शन से हम कितना यूजफुल वर्क ऑबटेन कर सकते हैं अब ये यूजफुल वर्क क्या होता है दैट इज द नॉन मकैनिकल वर्क ठीक है नॉन मकेनिकल वर्क जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम का होता है वर्क ठीक है ना उसको छोड़कर जो भी वर्क होगा जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है वर्क इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ठीक है ना फ्लो उनका होता है उन सभी में जो भी होता है वर्क उसे हम बोलते हैं यूजफुल वर्क तो कोई रिएक्शन हमें कितना यूजफुल वर्क मैक्सिमम कितना यूजफुल वर्क दे सकती है वो हमें उसका गिप्स फ्री एनर्जी चेंज बताएगा तो हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करते हैं सो द स्टैंडर्ड गिप्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू द डब्ल्यू मैक्सिमम दैट इज वर्क मैक्सिमम मैक्सिमम यूजफुल वर्क एंड इट इज इक्वल्स टू अब इसका फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना है एन इंटू एफ इंटू ई नोड ऑफ द सेल ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है गिफ्ट फ्री एनर्जी अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आपको स्टैंडर्ड गिप्ट फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज पूछा गया सिंपली तो आपको यहां पर भी सेल पोटेंशियल यूज करना है सिंपली स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं यूज करनी ठीक है थीके? ध्यान से सुन लीजिए नाउ ये फार्मूला हमने कैसे बनाया है अब देखिए एन क्या थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमारी एनर्जी ये जो आएगी जाउल्स पर मोल में आएगी ठीक है वन मोल के लिए सो एन एफ अमाउंट ऑफ चार्ज एन एफ अमाउंट ऑफ चार्ज है इज्ड अलोंग बाय इसको कौन मूव कर रहा है बाय बायोड सेल का पोटेंशियल ठीक है सेल पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल जो है ये इतने चार्ज को मूव करवा रहा है तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज तो वहां से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है पोटेंशियल इनटू चार्ज एंड ये वर्क हो रहा है वर्क डन ऑन द सराउंडिंग वर्क डन ऑन सराउंडिंग क्योंकि सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है वर्क तो इसके लिए यहां पर साइन क्या लग गया है नेगेटिव ठीक है तो ऐसे ये फॉर्मूला हमारा ऑप्टेन होता है तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला बन गया है ये दोनों फॉर्मूले हमको यूज करने हैं जो जो हमारा पिछला फॉर्मूला था वो भी मैं यहीं पर लिख रहा हूं दैट इज ई नोट सेल इज इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी ओवर एन एफ लोग के सी तो एक फॉर्मूला हमारा था ये और दूसरा बन गया है ये वाला फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूले हमें अब यूज़ करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में और हम इन दोनों में आपस में भी रिलेशन बना सकते हैं यानी कि हम रिलेशन बना सकते हैं डेल्टा जी नोड का चेंज एंड के सी में ठीक है सिंपल सी बात है हमें ई नोड सेल की वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेनी है बाकी तो खुद ब खुद ही यहाँ से सोल्व हो जाएगा ठीक है तो अगर आप इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे तो आपका रिलेशन एक सिंपल सा सोल्व होकर बन जाएगा तो ये रिलेशन आप लोगों को खुद सोल्व करना है यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू को सोल्व करें डेल्टा जी नोट ओवर माइनस एन एफ यहाँ पर यूज़ करें एन एफ के साथ एन एफ हो जाएगा कैंसिल सो so इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा माइनस डेल्टा जी नोट इज़ इक्वल्स टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी इंटू लॉग ऑफ के सी और अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे नेचुरल लॉग सो दिस बिकम्स माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के सी ठीक है तो ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है इसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बाकी इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा ठीक है सो दिस इज द गिप्स फ्री एनर्जी और एक इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट दैट इज गिप्स फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है गिप्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये इसका क्या मतलब है ये अब आपको ध्यान देना है सो डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं थर्मोडाइनमिक्स में आपने रीड किया था दैट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटांस डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटांस जो कि सबस्टांस के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं सो दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हम इनोर e सेल की बात करें ठीक है अगर हम इनोड की बात करें इनोड इज एक्सटें इनोड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनोड एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ठीक है नाउ एक्सटेंसिव होने के साथ हमारे फॉर्मूलाज में या हमारी सॉल्विंग में क्या चेंज आएगा सो मान लीजिए ये एक रिएक्शन है जिंक प्लस कोपर टू पॉजिटिव फॉर्मिंग जिंक टू पॉजिटिव एंड कॉपर इसके लिए अगर मैं रिलेशन लिखूं तो डेल्टा जी नोड इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ सेल e था तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो रहा है टू सेल ठीक है अगर हम इस रिएक्शन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं मान लीजिए हम फोर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं फाइव के साथ करवाते हैं तो यहां पर एन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है ठीक है ना सो so, अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें मान लीजिए बाय थ्री तो हमारा जो है वो गिप्स फ्री एनर्जी चेंज का रिलेशन जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अब सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सचेंज ठीक है ना सो दिस बिकम्स डेल्टा जी नोट माइनस सिक्स एफ ई नोट सेल सो मतलब रिएक्शन के साथ अगर किसी कोपिशन को मल्टीप्लाई करवाया गया मतलब अगर हमने वन मोल जिंक या फिर हमने थ्री मोल जिंक यूज किया है तो इसका आंसर अलग होगा बट ई नोट सेल वही रहेगा हमेशा वो चेंज नहीं होने वाला ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इस पर बेस्ड बहुत बार पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन और एम पूछे जाते हैं सो दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्वलिब्रियम कॉन्स्टेंट के हमने रिलेशन्स कर लिए हैं इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है